आशा मालवी है। मैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक गांव नाटाराम से हूँ। मैं स्पोर्ट्स में एक नेशनल प्लेयर हूँ, माउंटेनियर हूँ, मैं बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और अभी मैं हूँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा बॉर्डर पे। आगे का जो थाना लगता है वो सोहेला थाना है उड़ीसा का। और छत्तीसगढ़ में मैं आई हूँ यहाँ पर सुबह 7 बजे से। 7 बजे से यहाँ पर आके मैं अभी हो गया है 9:48, 10 बजने वाला है। मैं यहाँ 3-4 घंटे से उड़ीसा वाले का वेट कर रही हूँ। उनका सीएम सर आने वाले थे लेकिन वो सुबह से मैं वेट कर रही हूँ 7 बजे से। और उड़ीसा वाले चाहते तो अभी तक मुझे रिसीव करके अपना बॉर्डर क्रॉस करा सकते थे, लेकिन वो अभी तक आए भी नहीं। अभी तक कम से कम मैं 4 घंटे से यहाँ वेट कर रही हूँ। उड़ीसा के बारे में क्या कहूँ, बात का फीडबैक होगा, हर कोई मुझसे पूछेगा क्या फीडबैक है, तो मैं क्या फीडबैक दूंगी। यही कि 4 घंटे से तो मैं वेट कर रही हूँ, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक मैं यहाँ से जाऊंगी भी नहीं, क्योंकि थोड़ा एरिया भी ये डिफिकल्ट एरिया है। और छत्तीसगढ़ वालों ने तो मुझे इतना कोऑपरेट किया है कि उनके बॉर्डर पे लाके मुझे 3 घंटे से यहाँ बिठाया, मेरा सारा ध्यान भी रख रहे हैं। लेकिन उड़ीसा वाले तो अभी तक आए भी नहीं, जब वो आएंगे तभी मैं जाऊंगी। तो आपको ये उड़ीसा की जो छवि आपको बाद में शेयर करती हूँ मैं, क्या है क्या नहीं है, कि कैसा मेरा ध्यान रखे कैसा नहीं रखे। बाकी अभी तो 4 घंटे से वेट करी हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि ये महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेके कितना जागरूक है उड़ीसा, कि अभी 4 घंटे से तो मेरे को वेट करा रहे। जब मैं किसी को फोन कर रही हूँ तो कोई जवाब देने के लिए भी तैयार नहीं है। हाँ, मैं अकेले भी जा सकती हूँ क्योंकि मैंने भारत यात्रा अकेले ही शुरू की है। और अगर आज भी मैं चाहूंगी तो अकेले जा सकती हूँ, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से मैं बात करते हुए आप सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि जो महिला सुरक्षा की लेके बात उड़ीसा को लेके हो रही है, आप सभी समझ पा रहे होंगे मेरी बात कि उड़ीसा महिला सुरक्षा को लेके कितना आगे है। सो धन्यवाद।